निर्माण शांतिपूर्ण तरीके से करिए, सत्ता जिस प्रकार सत्ता पाने के लालच से उन्होंने झारखंडी आदिवासी मूलवासी एसटी एससी ओबीसी आदिवासी पिछड़ा दलित जो करते हैं उसको एक बहुत सपना दिखाया था, सिर्फ सत्ता का लालच से वो सपना पूरा नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में मैं खतियान आधार स्थानीय नीति लाऊंगा, उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में मैं 28% 27% ओबीसी को आरक्षण दूंगा, उन्होंने कहा था पहला साल 5 लाख नौकरी दूंगा, उन्होंने कहा था 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, उन्होंने कहा था कि झारखंड में जेपीएससी और जेएससी को क्लीन करूंगा। लेकिन आज जब 2021 बीत गया तब आप कह रहे हैं कि पैसे न कमाना है, इधर पढ़वा लिए नियुक्ति वर्ष कह के और आप कह रहे पढ़ लिख लिए तो कह रहे पैसे न कमाना है, तो आप कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो, मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, इसमें भी पैसा कमाना चाहते कमाया जा सकता है। मैं आपको कह देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, जिस प्रकार सत्ता का लालच में आपने झूठ बोल के सत्ता में आया और वो काम नहीं किया, उसी प्रकार आप सीट बेचने के लालच से, अपने लोगों को बैठाने के लालच से, अपने फिर से यहाँ के भोले भाले आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूर एसटी एससी ओबीसी दलित पिछड़ा को फिर से आप झूठा सपना दिखा रहे हैं। और जो हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो आवाज़ है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो बिना कॉपी जांचे पास कर दिया है, जो आयोग ने भी इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है, अब आयोग पे कार्रवाई करने के बजाय हमारा आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारे ऊपर FIR कर रहे हैं, हमको जो है कि पुलिस हिरासत ले रही है रातों में सोने के दौरान, हमारा जो है कि रोज जहाँ जा रहे हैं वही 144 लगा रहे हैं, ये और इस बात को जो है कि छुपाने के लिए कभी कह रहे हैं कि बाहरी है, कभी कह रहे हैं भाड़े वाले हैं, कभी कह रहे हैं बजरंग दल वाले हैं, कभी कह रहे हैं आसू वाले हैं, कभी कह रहे हैं भाजपा वाले हैं। मैं सब नाम नहीं लेना नहीं चाहता हूँ, आपके कारण मुझे नाम लेना पड़ रहा है मुख्यमंत्री महोदय, मैं झारखंड के सच्चे सपूत हूँ।